गुड मॉर्निंग बच्चे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ फर्स्ट चैप्टर एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. सो एवोल्यूशन एज वी हैव नॉट कवर्ड आई विल बी स्टार्टिंग विद द सेकंड पार्ट फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? एग्जैक्टली विच आर परफॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग money for the purpose of earning livelihood. ठीक है. There are certain activities which do not involve earning of money. They are performed just for the sake of love, sympathy, patriotism. These are not economic activities. These will be classified as non-economic activities. ठीक है. So now economic activities, lot of economic activities are going on around us. You know, I am teaching you for the purpose of earning money. This is an economic activity. Your parents are also doing some work for the purpose of earning money. They are also engaged in economic activity. आप बस में आए हो, driver जो है वो भी पैसे earn करने के लिए बस कमा रहा है, वो भी एक economic activity है. रास्ते में आपने देखा रूरल एरिया में आते हुए फार्मर अपने खेतों में काम कर रहे हैं, वो भी किस लिए कर रहे हैं? टू अर्न मनी. सो दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी. यहाँ से आप पैसे जमा कराने गए अपने अकाउंट में बैंक में, वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं फ्रॉम सिक्योरिटी गार्ड टू द मैनेजर, दे आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बेगिंग, नो. Such activities are outside the purview of economic activities. ठीक है. Even though they are engaged in money, but they are not contributing anything to the production, so they are not economic activities, right? So, lots of economic activities are going on around us. So, for simplicity's sake, we classify them into three categories. Which three categories? Business, profession, employment. Business is that economic activity which involves production or procurement of goods and services for the purpose of sale or exchange on regular basis for earning profit. Business वो economic activity है जिसमें गुड्स की प्रोडक्शन की जाती है या गुड्स को खरीदा जाता है, प्रोक्योर किया जाता है. किस लिए प्रोक्योर या प्रोड्यूस किया जाता है? ताकि उसको बेच सके रेगुलर बेसिस पे थर्ड पार्टी को और बेच के प्रॉफिट अर्न कर सके. ठीक है. सो सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेस for the purpose of sale on regular basis and for the purpose of earning profit, these are classified as business activities. Second type of economic activity is profession. What is profession? Profession is that economic activity which involves the use of specialized skill or knowledge in their specified job. जब कोई person अपने job में अपनी activity में specialized skill, specialized knowledge use करता है, उस activity को profession कहा जाता है. ठीक है. For example, teaching is a profession. Then doctor, they are professionals. जो एक्टिविटी है वो प्रोफेशन है. जो लोग इसमें एंगेज्ड हैं वो क्या कहलवाएंगे? प्रोफेशनल्स. लॉयर इज अ प्रोफेशनल, लॉ इज अ प्रोफेशन. सीए इज अ प्रोफेशन, तो सीए इज अ प्रोफेशनल. ठीक है. सो वो एक्टिविटीज जिसमें हम किसी स्पेशलाइज्ड डिग्री को एक्वायर करते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर करते हैं और अपनी ऑक्यूपेशन में उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको कहा जाता है प्रोफेशन. ठीक है. सो हर प्रोफेशन में बेटे कोड ऑफ कंडक्ट होता है विच इज रिक्वायर्ड
the code of conduct which is laid down by the professional body, and it has to be adhered by, followed by all the professionals. For example, अगर आपने लॉ करा बी कॉम के बाद या प्लस टू के बाद, आपने लॉ ज्वाइन कर लिया, आपने बी एल एल भी कर लिया, आप लॉयर बन गए, तो आप तभी प्रैक्टिस कर पाएंगे अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करती है, हर प्रोफेशनल को उसमें अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है और उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है. इन केस द प्रोफेशनल फेल्स टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट एज लेड डाउन बाय देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडीज, दे मे नॉट बी अलाउड टू प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन. ठीक है, आपने वो मूवी देखी है शायद जॉली एलएलबी, जिसमें वो केस का कुछ उस पे केस होता है कि अगर वो अपना इस ये नहीं प्रूव कर पाया विद इन 30 डेज, तो उसको बार काउंसिल जो है वो उसके प्रोफेशन से निकाल देगा, यानी आज के बाद फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो दिस कोड ऑफ कंडक्ट हैज टू बी एडहर्ड बाय एवरी प्रोफेशनल. ये मैं बता रही थी कि अगर लॉ है तो उसका प्रोफेशनल बॉडी कौन सी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया. अगर आप सीए करते हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया. आप डॉक्टर बनते हो तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. अगर आप डेंटल सर्जन हो तो इंडियन डेंटल एसोसिएशन. ठीक है, सो ये सब रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो कि कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करती हैं, विच हैज टू बी फॉलोड बाय एवरी प्रोफेशनल. ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रोफेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी. थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? इट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स इन रिटर्न फॉर रेमुनरेशन. रेमुनरेशन का मतलब समझते हो, रिवॉर्ड. व्हेन यू गेट पेड फॉर डूइंग समथिंग इट इज रेमुनरेशन. ठीक है, सो व्हेन यू वर्क फॉर अदर्स and in return you get remuneration, that is employment. Employment could be for, you know, as a small a job as say it could be peon, or it could be even a doctor. A doctor can also be an employee. Those who are engaged in employment are called as employees, and those who engage them, hire them, they are employers. Simple, ये सबको terms पता होती हैं, है ना? तो छोटा सा छोटा काम भी या बड़े से बड़े काम में भी आप employment gain कर सकते हो. अगर आपने MBBS करी, आप अपना clinic या hospital नहीं खोलना चाहते, आपने किसी hospital में काम करना शुरू कर दिया, तो you are employee, a professional who is in employment. Specialized skill चाहिए, उस स्पेशलाइज स्किल को आपने अपने ऑक्यूपेशन में अप्लाई करना है, बट देन यू आर वर्किंग फॉर अदर्स, सो यू आर इनटू एम्प्लॉयमेंट. इज इट क्लियर? सेम इज द केस विद द लॉयर और सीए. अगर एक सीए करके बैंक में लग जाता है, तो वो किस में है, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है? एम्प्लॉयमेंट में. ठीक है, so we can differentiate between amongst these three economic activities on different basis. Different basis could be capital required. So business, profession, employment, which requires huge amount of capital? Business. Aur वैसे depend करती है on the nature of the work. ठीक है, और profession requires capital but less, क्योंकि आपको अपना office खोलना है. ठीक है, अपने इक्विपमेंट्स लेने हैं, उसके लिए कैपिटल तो चाहिए, लेकिन एज कंपेयर टू बिजनेस थोड़ी कम चाहिए होती. व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट? नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड. देन रिवॉर्ड, व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड यू गेट इन रिटर्न इफ यू आर अ बिजनेसमैन? प्रॉफिट. इन केस ऑफ प्रोफेशन, फीस. इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यू गेट वेजेस एंड सैलरी. ठीक है, व्हाट अबाउट रिस्क? In business, huge amount of risk is involved. In profession, very less. ठीक है, ना के बराबर. And in employment, no risk at all is there. Then qualification,
Is there any minimum qualification for the business? No. Even the vegetable seller, which comes around your locality, or the ice cream seller, they are also engaged in business. So no minimum qualification is required. In case of profession, yes, they need to have a professional degree. In case of employment, according to the job requirement. ठीक है, तो अगर आपको let us say किसी फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री में काम करना है एज ए लेबर, तो आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम. लेकिन अगर आपको एज ए मैनेजर काम करना है, तो यू नीड टू हैव एन MBA डिग्री. ठीक है, सो सच काइंड ऑफ यू नो. देन कमेंसमेंट और एस्टेब्लिशमेंट और मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. हाउ कैन वी सेट अप अ बिजनेस? ओनली एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन इज रिक्वायर्ड, प्लस लीगल फॉर्मेलिटीज इफ एनी. ठीक है, अगर आपको से कोई ऐसी शॉप खोलनी है या फैक्ट्री खोलनी है जिसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, ठीक है, या कोई और लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर आपको कंपनी फॉर्म खोलनी है तो लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी. LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोलनी है तो भी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी. पार्टनरशिप खोलनी है तो आपको अगर रजिस्टर करवानी है तो भी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ेंगी. लेकिन अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई स्मॉल स्केल पे काम खोलना है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड, ओनली एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन इज इनफ. इन केस ऑफ प्रोफेशन, कैन अ प्रोफेशन बी स्टार्टेड विदाउट एनी मिनिमम, विदाउट स्पेशलाइज नॉलेज? नो. सो प्रोफेशन कैन बी कमेंस्ड आफ्टर एक्वायरिंग मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी. तो मैंने जैसे बताया, आपने लॉ कर लिया, तो ऐसे नहीं आपने शॉप खोल लिया, प्रैक्टिस करने लग गए. यू शुड हैव रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एवरी ईयर यू नीड टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड. ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हर साल आपकी जो मेंबरशिप है वो रिन्यू करती है. इसी तरह डॉक्टर्स की भी वो रिन्यू करती है. ठीक है, सो आफ्टर एक्वायरिंग मेंबरशिप एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल बॉडी कैन यू स्टार्ट द प्रोफेशन. एम्प्लॉयमेंट, बट इट स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग यू, आफ्टर यू गेट एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट, और आफ्टर यू गेट अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर. गॉट इट? सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस. Now we can discuss in detail about business. Definition clear है सबको? उसी definition से हम business की characteristics के बारे में discuss कर सकते हैं. What is a business? It is an economic activity. तो first feature क्या हुआ business का? Economic. What is economic activity? Done with the, for the purpose of earning money, earning livelihood. ठीक है? So, कोई भी एक्टिविटी जो कि आप आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपथी, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ पेट्रियोटिज्म, रिलीजन के बेसिस पर करते हो, वो बिजनेस नहीं है. क्लियर? सो इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज एन एक्टिविटी विच इज परफॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी लाइवलीहुड. देन सेकेंड फीचर क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सी, गुड्स बिफोर दे आर सोल्ड टू द पब्लिक, दे नीड टू बी आइदर प्रोड्यूस्ड और दे नीड टू बी प्रोक्योर्ड. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोक्योर्ड? दे हैव टू बी बॉट, परचेज फ्रॉम थर्ड पार्टी. तो चाहे आप गुड्स को प्रोड्यूस करो, चाहे आप गुड्स को प्रोक्योर करो, पर वो जरूरी है. दैट इज एन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस. ऐसी एक्टिविटी या बिजनेस उसी एक्टिविटी को कहा जाता है जिसमें या तो गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है या गुड्स को प्रोक्योर किया जा रहा है. अगर आप गुड्स की प्रोडक्शन करते हो, देन योर्स इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में हो आप. लेकिन अगर आप गुड्स को प्रोक्योर करते हो, देन इट इज अ ट्रेडिंग कंसर्न.
गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, दे कुड बी सिंपल कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स लाइक एनी गुड विच यू आर कंज्यूमिंग राइट नाउ इज अ कंज्यूमर गुड, पेन, यूनिफॉर्म, मास्क, टाई, स्टेशनरी, बैग्स, बुक्स, ऑल दीज आर कंज्यूमर गुड्स विच सेटिस्फाई, विच आर कंज्यूम फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स. गुड्स कुड बी कैपिटल गुड्स. वॉट आर कैपिटल गुड्स? मशीनरी, इक्विपमेंट्स, दैट इज दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन. आप जो मर्जी गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट विल बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटी. ठीक है, तो जहां पर गुड्स की प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट हो रही है, आप में से किसी के पेरेंट्स शॉपकीपर होंगे, एंड वन व्हेन यू यूज्ड टू बी स्मॉल एंड टीचर यूज्ड टू आस्क पापा क्या करते हैं, तो यू वुड से बिजनेस करते हैं. ठीक है, एक आपका ब्लैंक लिखा भी आता है, पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, सो यू राइट इट देयर, बिजनेस और सर्विसमैन लिखते हैं ना ऐसे. ठीक है, तो बिजनेसमैन वही है जो गुड्स की प्रोडक्शन या गुड्स की प्रोक्योरमेंट करता है. ठीक है, ऑल राइट, देन सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दीज गुड्स आर प्रोक्योर्ड और प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बट फॉर सेल और एक्सचेंज टू द थर्ड पार्टी. जो गुड्स की आप प्रोडक्शन करते हो वो किस लिए करते हो? ताकि आप आगे उसको सेल ऑफ कर सको, सेल ऑफ करके लोगों की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सको. ठीक है, सो एनी एक्टिविटी, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड बट द गुड्स आर नॉट सोल्ड, इट विल नॉट बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटी. आपने छुट्टियों में कैंडल मेकिंग का काम कोर्स किया, ठीक है, केक बनाने सीखे, कार्ड बनाने सीखे, ग्रीटिंग्स, गिफ्ट रैपिंग सीखी, कुछ भी सीखा, उसके बाद से आप अपने घर में ये काम करने लग गए, अपना घर का डेकोर आइटम्स बनाने लग गए, कैंडल्स बनाने लग गए, बना के घर सजाने लग गए. ठीक है, प्रोडक्शन इज देयर और नॉट, बट आर यू डूइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ सेल? देन इट इज नॉट बिजनेस. सिर्फ प्रोडक्शन से बिजनेस नहीं बन जाता, वो गुड्स जो प्रोड्यूस करके सेल किए जाते हैं ओनली देन हम इसको बिजनेस एक्टिविटी का नाम दे सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस. ये जो आप सेल कर रहे हो, प्रोडक्शन उसके बाद सेल कर रहे हो, इट शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस. वन टाइम प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटी. सो हियर आई हैव अ कैरिकेचर, द हाउसवाइफ इज टेलिंग हिज हस्बैंड, सी आई सोल्ड द न्यूज़पेपर्स टू रद्दी वाला एंड आई अर्नड 500 रुपीज, सी आई डिड बिजनेस टूडे, इज शी राइट? वाई नॉट? इवन दो शी हैज मेड प्रॉफिट, but is she doing it on regular basis? No, she is not doing it on regular basis. aapne cake banaya, theek hai, aapki friend ne kaha aise kar mera birthday hai, I will kitna kharcha hai plus profit rakh le, theek hai, to I will pay you for that, ye cake mere ko de de, to aapne usko 5 aapko 500 rupees ne deke cake le liya, aapne production ki, aapne profit bhi earn kiya, आपने केक बेचा भी, बट क्या ये आपकी एक्टिविटी बिजनेस कहलवाएगी? ओनली इफ यू डू इट ऑन रेगुलर बेस, वन टाइम ट्रांजेक्शन, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटी. ठीक है, सो इट हैज टू बी डन ऑन रेगुलर बेसिस. सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉफिट अर्निंग. एनी एक्टिविटी which involves earning of profit, only that activity can be classified as business. अगर आपने केक बना के या कैंडल्स बना के अपने फ्रेंड्स को कॉस्ट टू कॉस्ट बेचने शुरू कर दिए, कोई मार्जिन नहीं रखा, आपने कहा मुझे तो अच्छा लगता है बनाना,
बस, लेकिन ये कि मैं इतने एंडलेस बना नहीं सकती क्योंकि रॉ मटेरियल का खर्चा आता है, तो मेरे पास इतनी पॉकेट मनी नहीं होती है। ठीक है, तो आप ऐसे करो, इस पे 100 रुपए का खर्चा लगा, आप मेरे को 100 रुपया दे दो। प्रोडक्शन इज देयर, यू हैव प्रोक्योर्ड गुड्स, यू हैव प्रोड्यूस्ड गुड्स, यू हैव सोल्ड द गुड्स, यू आर डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस, बट आर यू अर्निंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट? इफ यू आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट, देन दिस एक्टिविटी कैनॉट बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि मेन कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस एक्टिविटी का, इट शुड लीड टू अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। देन बेटे, एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक विच यू वुड लाइक टू डिस्कस हियर? देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन एवरी बिजनेस, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क प्रेजेंट। ठीक है, रिस्क की अमाउंट या डिग्री जो है, दैट मे वेरी, दैट डिपेंड्स अपॉन, बेटे जितना बिजनेस का साइज बड़ा होगा उतना ही रिस्क भी ज्यादा हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क ज्यादा है, ट्रेडिंग में कम है। ठीक है, फिर ऐसी एक्टिविटीज, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें इनफ्लेमेबल आइटम्स हैं, हाईली इनफ्लेमेबल, क्रैकर्स बनाते हो, ठीक है, फ्यूल का इस्तेमाल ज्यादा करते हो, एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हो, तो उसमें भी रिस्क ज्यादा है। रिस्क जो है बेटे, इट मे अकर बाय डिफरेंट फैक्टर्स, द फैक्टर कुड बी फायर, इट कुड बी अर्थक्वेक, इट कुड बी चेंज इन फैशंस, चेंज इन प्राइसेस, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस, दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है बेटे, अनसर्टेनिटी इज अगेन अनदर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेसमैन जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अब उसमें से उसको कितनी रिटर्न मिलेगी वो बहुत ही अनसर्टेन है। ही मे गेट 10%, ही मे गेट 2%, ही मे गेट 5%, इट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, अगर लेट जैसे अभी पीछे लॉकडाउन हुआ था, तो बहुत शॉपकीपर्स ने अभी सामान डाला ही था, सीजन चेंज हो रहा था, नया सीजन आ रहा था, तो उन्होंने अभी अपना स्टॉक भर के रखा ही था, तो लॉकडाउन हो गया। ठीक है, तो यू कांट बी सर्टन कि आपको कितनी रिटर्न मिलेगी बिजनेस में। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। जहां पर भी बिजनेस होगा वहां पर अनसर्टेनिटी होगी। आप बोलो कि मैम कोई ऐसा बिजनेस बताओ जहां पे फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है, so these are the characteristics of business activities. यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट? आगे करें, business risk, अभी हमने कहा कि there is an element of risk in every kind of business activity. What is risk? Risk किसको बोलते हैं? Risk क्या है? आपने 1 करोड़ रुपए अपने business में लगा दिया, आप कहते हो बड़ा, बहुत बड़ा रिस्क ले लिया यार। क्या रिस्क है? क्या डर है आपको? आपको रिस्क है कि आपका 1 करोड़ रुपया डूब ना जाए, लॉस ना हो जाए, और आपसे कोई 1 करोड़ रुपया कह रहा था मेरे को दे दो, मैं आपको 1 करोड़ के बदले हर महीने 10 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है, ब्याज होता है ऐसे इंटरेस्ट, वो कहता मैं अपने बिजनेस में लगाना चाहता हूँ, मैं तेरे को, मैं बैंक से लूंगा तो मुझे 12 लाख देना पड़ता है, उसने सोचा इससे ले लेता हूँ 10 लाख रुपए, इसको मैं महीने का इंटरेस्ट दे दूंगा या 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दे दूंगा। ठीक है, आपने नहीं दिया, आपने अपना बिजनेस खोल, क्या रिस्क लिया आपने? यू माइट अर्न लेस देन 1 लाख रुपीज पर मंथ और नॉट, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ earning inadequate profits or of incurring
loss. This is known as a risk. What is business risk? It is the possibility of earning inadequate profits or of suffering loss. ठीक है, रिस्क हम क्लासिफाई करते हैं इनटू फोर कैटेगरीज, स्पेक्युलेटिव रिस्क, प्योर रिस्क, इंश्योरेबल रिस्क, नॉन इंश्योरेबल रिस्क. स्पेक्युलेटिव रिस्क, स्पेक्युलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट. पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट. ये दो फॉर्म्स हैं, शॉप्स हैं ए और बी. दोनों ने 10 लाख का सामान, 10-10 लाख का सामान डाला अपनी शॉप में. ठीक है, ये जो शॉप है ये रखती है टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन. ये जो बी शॉप है ये जनरल स्टोर है, ग्रोसरी आइटम्स एंड डेयरी आइटम्स रखता है. ठीक है, अब क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, ये शॉप बंद होगी पूरी तरह से, बंद होगी और इसका बिजनेस डबल हो गया. हुआ कि नहीं, लोगों ने घर में बैठे थे, लोग किस पे जोर दिया, कुकिंग पे, खाने पीने पे. और मोर वो खाने पीने की चीजें तो कभी, वो तो रेगुलर बेसिस पे चाहिए है ना, तो इसका बिजनेस डबल हो गया. ऐसे ही हुआ, ये क्या है, स्पेक्युलेटिव रिस्क. That there is a possibility one may earn profit or may suffer losses. Loss भी हो सकता है, profit भी हो सकता है. Speculation है, सट्टा है. Prices बढ़ गए, lockdown का ना लो, वैसे ही कोई भी ले लो, कोई भी चीज है, prices बढ़ गए किसी चीज के, तो shopkeeper, इसने 10 रुपए की चीज ली हुई थी, इसका प्राइस हो गया 20 रुपए, प्रॉफिट होंगे इसको. हो सकता है इसका प्राइस रह जाए 5 रुपए, जो चीज इसने 10 रुपए की ली हुई थी वो कितने की रहेगी, 5, तो अब क्या हो जाएगा उसको, लॉस. कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, सो देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और ऑफ सफरिंग लॉस. So, इनको बोलते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क. स्पेक्युलेटिव रिस्क में अराइज ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशंस. अभी मैंने बताया प्राइसेस बढ़ गए तो चांदी चांदी है इसकी, प्राइसेस गिर गए तो डूब गया. प्राइस फ्लक्चुएशंस और चेंज इन फैशन, फैशन में चेंज आ गया. आपका, आपने स्वेटर्स मंगवा के रखे थे विंटर सीजन के लिए, लॉन्ग स्वेटर्स, क्योंकि लास्ट ईयर लॉन्ग स्वेटर्स का बहुत ट्रेंड था, इस बारी सर्दी नहीं पड़ी तो पीपल आर नाउ आस्किंग फॉर शॉर्ट स्वेटर्स. चेंज हो गया फैशन, ट्रेंड चेंज हो गया और आपका वो स्टॉक पड़ा का पड़ा रह गया. ठीक है, सो प्राइस फ्लक्चुएशंस के कारण, फैशन टेस्ट में चेंज आने के कारण, फैशन में चेंज आने के करके, डिमांड में चेंज आने के करके, there may arise speculative risk. Clear? Then बेटे second type of risk is pure risk. Pure risk involve only the chance of loss or no loss. यहां पे profit की बात नहीं हो रही, यहां तो loss होगा या नहीं होगा, ये pure risk है. Every business involves pure risk also. आग लग गई तो नुकसान हो जाएगा, नहीं लगी तो नहीं होगा. Here there is no possibility of profit. It's a possibility of loss or no loss. ठीक है, so that type of risk is known as pure risk. Then insurable
non-insurable. Insurable risks are those which can be covered or insured, जिनको हम कवर कर सकते हैं, इंश्योर करवा सकते हैं. अब सिर्फ उसी रिस्क को बेटे हम इंश्योर करवा सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हम डिटरमिन कर सकते हैं. हुज प्रोबेबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड. कैन यू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेक्युलेटिव लॉस? नहीं डिटरमिन कर सकते ना, बट यू कैन डिटरमिन द पॉसिबिलिटी ऑफ प्योर लॉस. ठीक है, सो ओनली फायर एक्सीडेंट है ना, इसी के लिए हम अपने आप को इंश्योर करवाते हैं ना, वेयर देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस. नॉन इंश्योरेबल रिस्क विच कैनॉट बी इंश्योर्ड, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ गया तो हमें लॉस हो गया, हम इंश्योरेंस कंपनी को बोले अभी कल को गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाएगी, पता नहीं हमारा कितना नुकसान हो जाएगा, आप हमारी इंश्योरेंस कर दो, वो होगी इंश्योरेंस? नहीं, वो कहेंगे अगर आपकी पॉलिसीज आपके फेवर में हो गई तो आपको फायदा होगा. ठीक है, तो ऐसा रिस्क कभी भी इंश्योर नहीं होता जिसकी प्रोबेबिलिटी हम डिटरमिन नहीं कर सकते. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.